टी श्रद्धा टेस्ट गार्डन नीवश बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, बेला मोगरा का पौधा है और ये चौथी बार इसमें हमको फ्लावर मिलेंगे और देख रहे हैं कि पत्तों से ज़्यादा कलियाँ हैं। अगर हम गिनना शुरू कर दें तो इसमें इतनी कलियाँ हैं कि पत्ते कम पड़ जाएंगे और कितनी खूबसूरत कलियाँ लग रही हैं ग्रीन कलर में टिमटिमाते हुए जैसे तारे खिले हैं। और ये देखिए हर ब्रांच आपको भरा मिलेगा। ये देखिए इतनी सारी कलियां, नीचे देखिए और उतने फ्लावर टूट गए हैं। ये देखिए फ्लावर टूटे हैं, इधर से टूटे हैं, यानी 9 फ्लावर आज हमको मिले हैं। इधर ये फ्लावर था, इधर और इस साइड भी ये ढेर सारे फ्लावर थे जो टूट गए हैं, क्योंकि ये बेला आधी रात को खिलता है। हमारे यहाँ बघेली में गाना है कि आधी कौन सा गाना है, बेला फूले आधी रात चमेली भिनसारे करके, तो आधी रात में ये फूलता है और सुबह इतनी सुंदर खुशबू से भर जाता है। अगर आप पास से गुजरो तो इतनी सुंदर खुशबू लगता, बस बेला के पास ही बैठे रहें। सुबह सुबह आओ तो भंवरे रहते हैं, ठंडा माहौल रहता है और खिला हुआ बेला की खुशबू रहती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों फूल सारे टूट जाते हैं, ये सब यहाँ से ये सब खिले थे। तो ये देखिए कितना सुंदर है, इसका राज मैं बताऊंगी कि मुझे इतने अच्छे कलियाँ, इतने अच्छे फ्लावर कैसे मिल रहे हैं, मैं कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिए, प्लीज़ स्किप मत कीजिए और पहले सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए, आप भूल जाते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो आप विंटर में इसको, मैंने कई वीडियो शेयर किया है, लंबा हो जाता है बार बार बताने पर, विंटर जब दिसंबर के महीने में भी इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया था, बस पानी देती रहती थी और हार्ड प्रूनिंग के 15 से 20 दिन बाद बस मैं सड़ी हुई गोबर की खाद डाली थी गोड़ा करके, उसमें सारे पोषक तत्व रहते हैं। और फिर फरवरी में जैसे इसमें लगा कि हल्के नए फुटाव आ रहे हैं तो मैंने 1 टीस्पून लाल पोटाश और 7-8 दाने DAP के और 2 चम्मच मैंने सड़ी हुई गोबर की खाद फिर से डाला और बहुत ही अच्छी इसमें ग्रोथ हो गई है दोस्तों। तो माह में मैं एक बार इनऑर्गेनिक जरूर डालती हूँ, बाकी मैं ऑर्गेनिक का सहारा लेती हूँ, तो ऐसे करके मुझे अच्छे फ्लावर मिल जाते हैं। और दोस्तों जब फ्लावर आते हैं, जैसे पहली बार आए या दूसरी बार आए, जब भी आए तो ये जो बस्ती है तो यहाँ से आप इसको ये पिंच कर दें, यहाँ से नया फुटाव आएगा जब फ्लावर आप ले लें। और दोस्तों बेला में ये खासियत है कि जैसे एक बार ये सभी फ्लावर आ जाएंगे और इसके बाद ये रेस्ट में चला जाता है। अब इसको एनर्जी की ज़रूरत है, जिसे नई हो तो एनर्जी देने के लिए मैं ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र बार बार डालती हूँ और फिर इसके बाद मैं एक ही बार डालती, इसके बाद मैं लिक्विड डालती हूँ। तो दोस्तों उसके लिए फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं अच्छे से गूड़ा कर देती हूँ। और पानी का दोस्तों पहली बात तो पानी का ध्यान रखिए, आप पॉट ऐसा चूज करें पौधे के आकार साइज के हिसाब से। इसमें मैं लगाई थी, अब मेरा पौधा बड़ा हो रहा है तो अभी तो ये ठीक है, कुछ दिनों बाद ये पौधा इसके लिए बड़ा चाहिए पॉट है, तो अभी तो ठीक है, फिर मैं चेंज करूँगी, बरसात तक अभी नहीं करूँगी। तो ये पॉट के हिसाब से फर्टिलाइज़र मैं इसमें क्या, जब ये पूरा फूल समाप्त हो जाते हैं दोबारा लेने के लिए मैं अच्छे से गूड़ा कर देती हूँ। जब इसमें धूप लग जाती है तो सबसे पहले मैं एक मुट्ठी इस पॉट के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद लेती हूँ और उसमें मैं 6 से 7 दाने DAP डालती हूँ और 1 टीस्पून लाल पोटाश डालती हूँ जल्दी फास्ट ग्रोथ के लिए। इसके बाद जब इसमें ग्रोथ हो जाती है, छोटी छोटी कलियाँ बन जाती हैं, तो दोस्तों मैं जैविक का सहारा लेती हूँ, जैसे बनाना पील पीस लेती हूँ तो बनाना पील फिर मैं इतना डाल देती हूँ, उसी में मैं थोड़ा सा 1 टीस्पून सीवेट डाल देती हूँ और राख थोड़ा सा फंगीसाइड के लिए जरूरी है, बहुत नहीं डालती, 1 टीस्पून, क्योंकि मैं माह में 2 से 3 बार जरूर राख डालती हूँ, लेकिन पॉट और साइज के हिसाब से ज़्यादा डालने पर भी पौधे खराब भी हो जाते हैं, जल जाते हैं, गर्मी का महीना है। और अगर हम पॉट के हिसाब से लिमिट में डालें, जैसे इसमें मैं 2 से 3 बार 1 टीस्पून डाल देती हूँ, कभी 1 चम्मच बड़े चम्मच, और फिर अगर टॉनिक रूप में मैं सिर्फ इतना ही डालती हूँ लिक्विड, क्योंकि जड़ें इकट्ठा शोषित कर लेती हैं, तो थोड़ा हिसाब से डालती हूँ। तो ये राख और ये और नीम खली और थोड़ा सा सरसों, 2 लीटर पानी में मैं इतना ही, सरसों खली गर्म होती है लेकिन अगर लिमिट मात्रा में डालें तो ये पौधे में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, इतना ये 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े मैं 1 लीटर पानी में इतना नीम सरसों खली डाल देती हूँ, इतना ही नीम खली डाल देती हूँ और इतना ही मैं राख डालती हूँ और थोड़ा सा सीवेड और इतना मैं बनाना पील 1 लीटर पानी में, जब ये थोड़ा गुड़ डाल के डीकम्पोज हो जाता है, ये देखिए मैं रखी हूँ, जब डीकम्पोज हो जाता है दोस्तों तो मैं इसको डाल देती हूँ अच्छे से शाम के वक्त।
इसी तरह कलियां बड़ी बड़ी हो जाती हैं और ढेर सारे फ्लावर आते हैं। और पानी, मिट्टी में नमी हर वक्त बनी रहे। जब लगे कि हमारी मिट्टी हल्की सूख रही, ऊपर की आधा इंच लेयर, क्योंकि गर्मी है, तभी पानी डाल दें। मिट्टी में हर वक्त नमी बनी रहे। देखिए, मैंने कल शाम को पानी डाला, ज़्यादा शाम को ही मैं डालती हूँ, तभी मिट्टी बिल्कुल गीली है। अब मैं नहीं डालूंगी, मल्चिंग है तो ये मेरी मिट्टी नहीं सूखेगी। और मैं ऐसी जगह रखती जो सुबह से लेकर दोपहर तक की धूप आती है। ज़्यादा धूप में ये पौधे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इनकी कलियां झड़ती हैं पानी की कमी से, पोषक तत्व की कमी से। ज़्यादा धूप से भी इनकी कलियां बनेंगी लेकिन झड़ जाती हैं फ्लावर खिलने के पहले। तो इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखें तो पत्ते कम पड़ जाएंगी, कलियां ज़्यादा आएंगी और आपका गार्डन खुशबू से महकता रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगली जानकारी के साथ फिर।